नमस्कार, एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपना रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 लेकर जल्द ही वापस आ रहे हैं। इस एपिसोड में एक्टर आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए पहुंचे। वहीं अमिताभ का आमिर खान को अपने शो पर बुलाना और उनकी फिल्म को प्रमोट करना अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ गया। वहीं इंटरनेट यूजर्स आमिर के साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी अपने निशाने पर ले लिया है और KBC के बहिष्कार की मांग शुरू कर दी है। जाने क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि KBC के मंच पर आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट करने पहुंचे। अब हैरान करने वाली बात तो यह थी कि आमिर ने आज तक अपनी किसी भी फिल्म को प्रमोट नहीं किया, ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही पब्लिकली, जिसे जनता यह अनुमान लगा रही है कि क्या आमिर अपनी फिल्म के बायकॉट होने पर डर गए हैं, जिसकी वजह से वह अपनी फिल्म को प्रमोट करने KBC के मंच पर पहुंच गए। वहीं सोशल मीडिया पर भी आमिर खान की वजह से अमिताभ बच्चन को भी खूब ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वहीं सनातनी धर्म के लोग अमिताभ से नाराज हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन ने लाल सिंह चड्ढा को हिट करवाने की जिम्मेदारी ली है, अब KBC फ्लॉप कराने की जिम्मेदारी हम सनातनी लेते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि दीवार का अमिताभ बच्चन नास्तिक है और वो भगवान का प्रसाद तक नहीं खाता, लेकिन 786 लिखे हुए बिल्ले को हमेशा अपनी जेब में रखता है और वो बिल्ला भी बार बार अमिताभ बच्चन की जान बचाता है। इसके साथ ही धर्म का अपमान करने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लोग अपने निशाने पर ले रहे हैं। वहीं कुछ समय पहले भी एक्ट्रेस करीना कपूर खान को उनकी अपकमिंग फिल्म सीता के लिए मोटी फीस वसूलने पर भी बजरंग दल की तरफ से खूब ज़्यादा ट्रोल किया गया था। बताते चले कि अब फिल्म रक्षाबंधन को भी अपने निशाने पर ले लिया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जो उनकी फिल्म ओ माई गॉड के प्रमोशन के समय का है, जिसमें वह एक स्टेज से कह रहे हैं कि भगवान शंकर पर दूध चढ़ाकर उसे बर्बाद ना करें, बल्कि उसे किसी गरीब को दे दिया जाए, जिसकी वजह से लोग फिल्म रक्षाबंधन को भी बायकॉट करने के लिए कह रहे हैं। चला, why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल। I go to temples and things like that. There's so much of waste. All we need to develop is that mindset कि stop doing all these things and let's think in a practical way. I did a film called Oh My God and it was something about why waste so much bill on Lord Shiva or itne sare bhagwan hum daal dete hain and that whole bill just goes out in waste. I used to go to Vaishno Devi every 6 months and to me to go to Vaishno Devi I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because and then one day I thought that these 3 lakhs why don't I give it to someone. And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को needy को दे दिया, and I got Vaishno Devi के दर्शन उसके अंदर। And that is the day I realized I don't need to go. राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जो लोग हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं हम उनकी फिल्म का बायकॉट करेंगे। बॉलीवुड पर शुरुआत से ही हिंदू धर्म का मजाक बनाने का आरोप लगता आया है। आमिर खान की फिल्म PK में भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने से लोग #लालसिंहचड्ढा लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट का विरोध कर रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज गॉसिप्स और मूवी रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल NBC हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोज को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।